बल्दी हल्के रैन बाजार में आज महावीर रुकनी असम्बली व शरीक मोहतमद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा पाटिल साहब की नुमाइंदगी पर 8,79,00,000 के तरक्याती कामों का आज इतना अमल में लाया गया है, जिसमें स्टॉम वाटर ड्रेन, सीमेंट रोड रेस्टोरेशन ऑफ सीमेंट रोड, बॉक्स टाइप नाला, तो मुख्तलिफ महले जात में रैन बाज़ार के बल्दी डिवीज़न में गलियों में इलाकों में आज 8,79,00,000 की तरक्याती कामों का अफ्तिताह हुआ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक 3-4 दिन के अंदर ये नए काम का आगाज़ हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। और भी रैन बाज़ार डिवीज़न में मेरे ख्याल से 4 काम ऐसे हैं जिसकी लागत 70,00,000 से ज़्यादा की, तो इसी के पास है उनके सुपरविजन के अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह वो 4 काम भी उसका शुरुआत की जाएंगी। हमारी कोशिश यही है कि पूरे तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट हो, और इस सिलसिले में आज शाम में 4 बजे हल्के सिंधी याकूतपुरा में, संतोष नगर सुरमागुड़ा बल्दी हल्के में भी तरक्याती कामों का शुरू होगा शाम में 4 बजे सिलसिले बजे तक, और फिर कल सुबह में चार मीनार इसम्बली हल्के में घासी बाज़ार और शाली मंडा में होगा, और शाम में याकूतपुरा में इसम्बली हल्के में बल्दी डिवीज़न में तरक्याती काम होगा। मजलिस की कोशिश यही है कि जितना हो सके मजलिस अराकीन असम्बली अराकीन पार्लियामान अराकीन बल्दिया अराकीन पार्लियामान काउंसिल और हमारे सदर मोतमदीन जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इन सब की मेहनत और काविशों की वजह से ये तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द जो मेट्रो का काम जुबली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक काफ़ी है उसका सर्वे हो चुका है, तकरीबन उन प्रॉपर्टीज़ की निशानदेही की गई जो इफेक्ट होंगे मुतासर होंगी इस मेट्रो लाइन की तरफ काम का आगाज़ होगा, और इंशाअल्लाह ताला गुलजार हाउस जो असर नौ उसको रिनोवेट किया गया है उसका भी पता होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं जनाब के टी रामाराव साहब वजीर बल्दी नगर दफ्तर लाकर उनके हाथों से गुलजार हाउस का जो रिनोवेशन हुआ है उसका पता करवाया जाए। लाड़ बाज़ार में एक फसाद वाली एक ही किस्म के तमाम दुकानें होंगी उसका भी 50 करोड़ का काम उसका संग बुनियाद वो रखेंगे, और चार मीनार बस स्टैंड में एक पार्किंग लॉट का भी संग बुनियाद वो रखेंगे जिसकी लागत मेरे ख्याल से 30 से 40 करोड़ होगी। तो ये तमाम काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तरफ से करवाए जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आवाम इन कामों को देख रही है और हमें यकीन है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में जहाँ कहीं भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े होंगे वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला एक आवाम की दुआएँ, आवाम का साथ और उनके वोट और एक अजीम शान मजलिस को कामयाबी से अल्लाह सुबहाना व ताला हम के साथ होंगे। मजीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खतवा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।